हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल्स नेम। कैपिटल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? राजधानी। क्या होता है? राजधानी। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल्स होते हैं, राजधानी होती हैं। तो उसी हम फाइव क्वेश्चंस लर्न करेंगे आज कैपिटल्स नेम। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? से अगेन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली। क्या है स्टूडेंट्स? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली। आप बोल सकते हैं, अगर पूरा आंसर आप बोलना चाहें, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाट को हटा देंगे हम, आगे क्या बोलेंगे? न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बट मैंने इस छोटा इसलिए लिखवाया है क्योंकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी? मैंने बताया था आपको, यू फॉर उत्तर, पी फॉर प्रदेश। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? तो क्या होगा हमारा? लखनऊ। आंसर इज लखनऊ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एमपी? एम फॉर मध्य, पी फॉर प्रदेश। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर इज भोपाल। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? से अगेन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? आंसर इज मुंबई। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार? से अगेन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार? आंसर इज पटना। से अगेन, हम फिर से सारे क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, इससे आपको लर्न हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? आंसर इज न्यू दिल्ली। हम फिर से देखेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? आंसर इज न्यू दिल्ली। आपको बच्चों बार बार रिपीट करना है, इससे आपको लर्न बहुत ही जल्दी हो जाएगा और आपको बहुत ही ईजी भी लगेगा। अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा और आपको लर्न भी हो जाएगा। और आप इस चीज़ को बार बार अपने मन में पढ़ते रहेंगे, मम्मी पापा से बोलेंगे इसको, इससे मुझको ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछिए। आप जब मम्मी पापा पूछेंगे आपसे तो आपको जल्दी ही लर्न हो जाएगा। ओके, पहले फिर से देख लेते हैं, पूरा रिपीट करेंगे। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? आंसर क्या है हमारा? न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? आंसर इज लखनऊ। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर इज भोपाल। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? आंसर इज मुंबई। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार? आंसर इज पटना। स्टूडेंट्स, आप अगर, मैंने बताया था, अगर आप चाहें तो हर एक आंसर में आप आगे जोड़ सकते हैं। अगर मैंने पूछा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप बोल सकते हैं न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बोल सकते हैं? न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये इसको कहते हैं पूरा फुल आंसर। ये आपका, वैसे तो मेन आंसर आपका यही है, न्यू दिल्ली। बट आपको अगर पूरा कंप्लीट आंसर लिखना है या फिर कंप्लीट आंसर बोलना भी है, सही ये भी है, और पूरा आप बोल सकते हैं। मैंने इसलिए पूरा नहीं लिखवाया क्योंकि भैया आप छोटे हैं, UKG के बच्चे हैं, तो आपके लिए बस इतना ही इनफ है, इसलिए मैंने इतना ही लिखवाया है। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको पूरा कंप्लीट आंसर लर्न कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। बच्चों, जो आपका ये क्वेश्चन में दिख रहा है इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, इसी को बस आप इस लखनऊ के बाद में, न्यू दिल्ली के लास्ट में, भोपाल के बाद में, ये सब के बाद में हम उसको जोड़ देंगे तो उसको मिलाकर पूरा आंसर बन जाएगा हमारा। ओके, जैसे कि मैंने बताया, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी? लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी? भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार? पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। स्टूडेंट्स, ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको नोट नहीं करना, इसे कोई कॉपी नहीं बनाना है। बट आप इसको चाहें तो इसकी कॉपी आप बना सकते हैं, लेकिन इसका रिटन टेस्ट नहीं होता है बच्चों, आपको पता ही होगा, इसका ओरल टेस्ट होता है। जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपका इसका ओरल टेस्ट होगा, और उस ओरल टेस्ट में ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।